नमस्कार दोस्तों, मैं साहेबराव चव्हाण आपका दोस्त, एक मोटिवेशनल ट्रेनर एंड बिजनेसमैन। दोस्तों आप कैसे हो? नक्कीस घर में सुरक्षित हो, लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हो और आगे बढ़ने के लिए तैयारी भी कर रहे हो। ये शांति का टाइम माय डियर फ्रेंड्स, युद्ध के बारे में ज्यादा तैयारी करनी चाहिए। ये टाइम में विचलित ना हो, निगेटिव ज्यादा सोचो मत और आगे क्या होगा ये एंग्जायटी में ज्यादा टाइम मत गवा दो। जो होगा देखा जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन आगे अगर नॉर्मल भी हो गया, सब कुछ ठीक भी हो गया, तो हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो टाइम हमारा वेस्ट हो गया। इसीलिए आज का, अभी का हर क्षण अच्छे काम के लिए, अच्छा सीखने के लिए यूटिलाइज करो माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको थोड़ा फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात बताने वाला हूं। दोस्तों आज का लोगों का प्रॉब्लम पैसों का नहीं रहता है, लेकिन प्रॉब्लम पैसा मैनेज नहीं करते, इसके वजह से प्रॉब्लम आता है। तो आज मैं मनी मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बताने वाला हूं, जो हर एक को काम आता है, मनी मैनेजमेंट। दोस्तों हमारे फैमिली में, हमारे घर में कम से कम एक दो मेंबर कमाते हैं। छोटा फैमिली, माइक्रो फैमिली रहेगा तो एक मेंबर, लेकिन बड़ा फैमिली रहेगा तो दो तीन जन तो कमाते हैं, लेकिन पैसा तो आता है। अगर एक कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज कंप्लीट करने के बाद भी 2-3 हजार से लेके 50 लाख तक कमाता है। एक मजदूर जो लेबर काम करने जाता है वो भी कम से कम 500 से लेके 1000-1500 तक कमाता है। यानी हर एक पैसा कमाता है। तो प्रॉब्लम किधर आता है? पैसा कमाता है लेकिन पैसा बचता नहीं है, ये प्रॉब्लम है। और बहुत लोग पैसा ज्यादा भी कमाते हैं फिर भी उनके पास पैसा नहीं रहता है, ये भी प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम किसका है माय डियर फ्रेंड्स? मनी मैनेजमेंट, पैसों का मैनेजमेंट नहीं होता है, उसके वजह से ये प्रॉब्लम आता है माय डियर फ्रेंड्स। सो आज मैं आपको मनी मैनेजमेंट के बारे में बता रहा हूं, जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है मेरे लाइफ में। 2000 से लेके मैं बिजनेस कर रहा हूं, 2000 से लेके 2010 तक मैं भी बहुत कुछ कमाता था, लेकिन मेरे पास भी कुछ नहीं बचता था। मैंने बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, बहुत सारे वीडियो ही देख रहा था। और तभी से मैं 2010 से ये टिप्स मैंने फॉलो किया ये मनी मैनेजमेंट का, और आज मैं फाइनेंशियली फ्रीडम हो गया हूँ। मुझे रोजमर्रा खर्चे का कभी प्रॉब्लम आता नहीं और आएगा भी नहीं माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए मैं आपको भी आज छोटा सा एक प्रयत्न कर रहा हूं कि आप भी, मेरे जो भी कस्टमर है, दोस्त लोग है, वो भी फाइनेंशियल फ्री हो जाए और उनका लाइफ में वो फाइनेंशियल फ्रीडम पाए। तो दोस्तों एक एग्जांपल लेंगे कि हम 100 रुपए महीने का कमा रहे हैं, तो वो 100 रुपए का कैसा मैनेज करेंगे? तो उसके लिए 6 अकाउंट निकालना है, 6 अकाउंट। पहला अकाउंट रहेगा एजुकेशन अकाउंट, उसमें 5% आपको डालना है। जितना भी कमाते हैं, अगर 100 कमाते हैं तो 5 रुपए डालना है, जितना भी कमाते उसका 5% आपको एजुकेशन अकाउंट में डालना है। भले आप 30 साल से 60 साल तक हो, आप अमीर हो या गरीब हो, आप ज्यादा कमाते या कम कमाते हो, आप एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, नो प्रॉब्लम। आपको आपके माइंड को शार्प करने के लिए सीखने में वो 5% यूज करना है माय डियर फ्रेंड्स। ये हो गया पहला अकाउंट। दूसरा अकाउंट है डोनेशन अकाउंट, उसमें भी 5% डालना है। जो भी कमाते हैं महीने का उसका 5% डोनेशन अकाउंट में डालना है आपको। देखो दोस्तों, जो भी आप कमा रहे हैं, मैं जो भी कमा रहा हूं, मैं अकेला नहीं कमा रहा हूं,
मैं मेरे टीम के वजह से कमा रहा हूँ, मैं आपके जैसे कस्टमर के वजह से कमा रहा हूँ, मैं ये सृष्टि के वजह से कमा रहा हूँ, ये मुझे प्रकाश मिल रहा है, ये हवा मिल रहा है, ये ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन झाड़ की वजह से मिल रहा है, तो झाड़ कोई तो लगा रहा है, मतलब ये सृष्टि हमारे लिए कुछ तो कर रही है, इसीलिए मैं जिंदा हुआ और इसीलिए मैं कमा रहा हूँ, यस या नो? तो उनके लिए डोनेट करना है आपको, 5% डोनेट करना है। वो बोले नैसर्गिक आपत्ति आती है उसी टाइम डोनेट करो, जैसा ये साल बाढ़ आया उसी टाइम डोनेट करना चाहिए। मैंने बाढ़ के टाइम 25,000 डोनेट किया था, अभी कोरोना आया है, कोरोना के भी टाइम मैं बहुत जगह डोनेट किया। तो दोस्तों ऐसे जगह भी डोनेट करना है। आप देखो ना, दुनिया के सबसे रिच पर्सन जैसा रतन जी टाटा है, राहुल जी बजाज है और मुकेश जी अंबानी है, उन लोगों ने भी अभी कोरोना के टाइम कितना डोनेट किया। तो उनको ये हैबिट है डोनेट करने की, और डोनेशन जितना भी देते हैं ना उसका मल्टीप्लिकेशन होके आपको आता है माय डियर फ्रेंड्स। सिर्फ आप देते टाइम ये नहीं कैलकुलेशन करना है कि मैं 50 दो तो 500 मिलेगा क्या, ऐसा नहीं कैलकुलेशन करना है। आप डोनेट करो और उसको भूल जाओ, वो कुदरत पे छोड़ दो, आपको 101% किधर से भी इनडायरेक्टली उसका मल्टीप्लिकेशन होके आपको मिलेगा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है माय डियर फ्रेंड्स। सो डोनेशन के लिए 5% डालना है, और ये 6 अकाउंट अलग अलग करना है माय डियर फ्रेंड्स, और अलग अलग अकाउंट में अलग उतना पैसा जो मैं परसेंटेज बता रहा हूँ उतना डालना है माय डियर फ्रेंड्स। अभी थर्ड अकाउंट है एंजॉयमेंट अकाउंट, फन अकाउंट, उसमें भी 5% डालना है। वो अपने जो भी तुम्हारे शौक है वो पूरा करने के लिए ये 5% यूज करना है। शौक कुछ भी हो सकता है, कई लोगों को नया कपड़ा पहनने का शौक हो सकता है तो नया कपड़ा खरीद सकते हैं, कई लोग को घूमने को जाने के शौक हो सकता है तो घूमने को जा सकते हैं, कई लोग को बाहर होटल में खाना खाने का शौक होता है वो कर सकते हैं, कई लोग को फैमिली के साथ घूमने को जाने का शौक है तो वो कर सकते हैं। अपने शौक के लिए जो भी शौक है, नया कपड़ा, नया चीजें लेने का जो भी शौक है वो पूरा करने के लिए 5% डालना है, यूज करना है, सिर्फ 5%। उसके ऊपर जाएगा तो तुम्हारा बैलेंस इनबैलेंस हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। सो 5% ही उसमें डालना है माय डियर फ्रेंड्स, और वो डिसिप्लिन से सिर्फ 5% ही यूज करना है। चौथा अकाउंट है फाइनेंशियल फ्रीडम फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें 10% आपको डालना है। ये फंड तभी यूज करना है कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आती है, बहुत बड़ी विपत्ति आ रही है तभी उसको निकालना है, तुम्हारे फैमिली के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आती है तभी उसको हाथ लगाना है, तब तक उसको हाथ नहीं लगाना है, उसको टच भी नहीं करना है, खाली डालते रहना है 10%, जो भी इनकम है उसका 10% उसमें डालते रहना है, उसको डालना है और भूल जाना है, ना उसका चेकबुक रखना है ना उसका डेबिट कार्ड रखना है माय डियर फ्रेंड्स। वो उसी टाइम यूज करो कि जब भी तुम्हारे हाथ में से गेम निकलता है उसी टाइम यूज करना है माय डियर फ्रेंड्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फैमिली में साल का इनकम है 5 लाख, तो आपका 10% से होता है 50,000, आपका सेविंग वो अकाउंट में 50,000 जाएगा, ये 10 साल का कितना हो गया 5 लाख, और उसका इंटरेस्ट पकड़ के कम 8 लाख तो हो जाएगा, तो 10 साल में आपके पास 8 लाख बैलेंस रहेगा आपके ऊपर जो विपत्ति आएगी उसके लिए। अगर ऐसा बैलेंस तुम्हारे पास है ऐसा मालूम पड़ा तो आपका माइंड कितना कूल रहेगा, आपका माइंड कितना सुरक्षित रहेगा। और रिसर्च क्या बोलता है मालूम है, कि जब भी आपका माइंड कूल रहता है, सुरक्षितता महसूस करता है, तभी वो ज्यादा क्रिएटिव होता है, ज्यादा प्रोडक्टिव होता है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए ये अकाउंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पांचवा अकाउंट कौन सा है कि लॉन्ग टर्म सेविंग एंड स्पेंडिंग फंड, लॉन्ग टर्म सेविंग एंड स्पेंडिंग फंड। वो अकाउंट इसीलिए कि तुम्हारे लाइफ में जो जो बड़ा बड़ा काम आता है आगे है, जैसा कि 15 साल के बाद आपके बच्चे का हायर एजुकेशन आता है,
पांच साल के बाद आपकी बेटी का शादी है, 3 साल के बाद आपको घर लेना है, 1 साल के बाद आपको इंटीरियर डेकोरेशन करना है, ऐसा कुछ भी बड़ा बड़ा काम आने वाला है उसके लिए वो अकाउंट, और उसमें भी 10% रखना है आपके जो इनकम आता है उसका 10% वो अकाउंट में रखना है माय डियर फ्रेंड्स। और इसीलिए कि जब भी आपके ऊपर जो बड़ा काम है आपके घर में आता है उसी टाइम आपके ऊपर लोड नहीं आना चाहिए, आपके खर्चे के ऊपर लोड नहीं आना चाहिए, इसीलिए ये अकाउंट का यूज करना है। और छठा अकाउंट है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसमें लिमिट नहीं है, तुम कितना भी सेविंग कर सकते हैं, 20%, 10%, 15%, 20%, 25% तक इसमें डाल सकते हैं। ये अकाउंट बहुत ग्रेट अकाउंट है, ये अकाउंट से तुम पैसों से पैसा कमा सकते हैं। एक अकाउंट में डालो और उसमें से निकाल के बॉन्ड में डालो, शेयर में डालो, प्रॉपर्टी में डालो, गोल्ड में डालो, उसमें कमाओ, वापस उसमें डालो, उसमें कमाओ निकालो और वापस शेयर में डालो, बॉन्ड में डालो, प्रॉपर्टी में डालो, जिधर जिधर से आपको पैसा लाना है, पैसों से पैसा कमाना है उसमें डालो। अगर ज़्यादा मिलता है तो बाकी 5 अकाउंट में भी डिवाइड करके डालो। ये ऐसा सेविंग करना है और ये बहुत जबरदस्त अकाउंट है माय डियर फ्रेंड्स। अभी ये टोटल हो गया 50%, इसमें आइडियली 15% यूज करना है आपको सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, तो टोटल हो गया 50%। कैसा हो गया 50%? एजुकेशन में 5%, डोनेशन में 5%, 10 हो गया, फंड अकाउंट में 5%, 15 हो गया, ट्रिपल एफ में 10%, 25 हो गया, और लॉन्ग टर्म सेविंग में 10%, 35, और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में 15%, तो 50% हो गया। अभी जो बचता है 50%, वो तुम्हारे रोजमर्रा खर्चे के लिए, मंथली एक्सपेंस के लिए यूज करना है, जैसा कि बच्चों का फीस, रेशन का खर्चा, दूध का खर्चा, लाइट बिल का खर्चा, पानी बिल का खर्चा, घर का मेंटेनेंस, ये जो भी रोजमर्रा खर्चा आता है उसका ये 50% यूज करना है। वैसा तो स्टडी बोलता है कि आपका इनकम में से सिर्फ 30% ही रोजमर्रा खर्चे के लिए खर्चा होना चाहिए, बाकी 70% तो सेविंग होना चाहिए, लेकिन हमारे मिडिल क्लास में खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है इसीलिए 50% ओके। सो माय डियर फ्रेंड्स, मनी मैनेजमेंट के लिए बेसिक क्या चाहिए आपको? डिसिप्लिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको डिसिप्लिन होना चाहिए। और डिसिप्लिन के मैं 3 रूल बताता हूँ, ये 3 रूल फॉलो करो, तीन डिसिप्लिन फॉलो करो। कौन सा पहला डिसिप्लिन? स्टॉप इमोशनल परचेस, कि ये गाड़ी अच्छा लगा इसलिए मैंने लिया, ये कपड़ा अच्छा लगा मेरे दोस्त ने लिया इसलिए मैंने लिया, ऐसा स्टॉप परचेसिंग। आपको जरूरत है वही चीज ले लो। दूसरा डिसिप्लिन स्टॉप कंपैरिजन, मेरा दोस्त हिमालय गया घूमने, मेरा दोस्त कश्मीर गया घूमने, मेरा दोस्त स्विट्जरलैंड घूमने गया, मैं भी जाऊंगा, ये कंपैरिजन नहीं करना है आपको। अगर आपके पास है तो 10% फंड के लिए मैंने बोला है वही खर्चा करना है आपको। और तीसरा स्टॉप बीइंग माइंडलेस, मूड आया इसलिए खर्च किया, मूड आया इसलिए कोल्ड ड्रिंक पिया, मूड आया इसलिए होटलिंग किया, मूड आया इसलिए घूमने गया, मूड आया इसलिए शॉपिंग किया, स्टॉप ये सब स्टॉप करो। माय डियर फ्रेंड्स, पैसा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे अच्छा से अच्छा तरह मैनेज करोगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर आप ध्यान नहीं दोगे तो हमेशा आप पैसा नहीं आता है यही बोलते रहोगे। मैं नहीं बोलता पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है, इसीलिए पैसों से काम कराओ, पैसों के लिए काम मत करो माय डियर फ्रेंड्स। पैसा एक बेस है, उसको पावरफुल बनाओ, आप बहुत बड़ी छलांग लगा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ी छलांग लगा सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, मैं हमेशा बोलता हूँ कि दुनिया में जितना भी पैसा है, ये 1% लोगों के पास 99% पैसा है, और 99% लोगों के पास सिर्फ 1% पैसा है।
बिकॉज 99% लोग ये सब रूल ये सब टिप्स फॉलो नहीं करते। अभी कोरोना के टाइम देखो, राहुल बजाज जी, मुकेश अंबानी, रतन जी टाटा, ये 1% वाले लोगों ने कितना डोनेट किया, और 90% लोग क्या सोच रहे कि हमारा कैसा होगा, हमारा फैमिली का कैसा होगा, हमारा बच्चों का फी हम भर पाएंगे कि नहीं, यही सोच रहे हैं ना। तो दोस्तों ये सब मनी मैनेजमेंट जो नहीं करते वही लोगों को सोचना पड़ रहा है। और ये मैं आप किसी को कम लिखने के लिए बता नहीं रहा हूँ, ये फैक्ट है माय डियर फ्रेंड्स, ये सच है, भले कड़वा लगेगा लेकिन ये सच है माय डियर फ्रेंड्स, सच है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सब रूल्स आप फॉलो करो, 19-20 हो जाएगा फॉलो करते टाइम, लेकिन आप 99% फॉलो करोगे और आप भी फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम पाओगे माय डियर फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइए, फीडबैक कीजिए, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ भेज दो, अपने दोस्तों को भेज दो, अपने रिश्तेदारों को भेज दो, और उनको एक फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता दिखाओ, एक फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता दिखाओ। और मैं आशा करता हूँ आप भी 2-3 साल में मुझे एक मैसेज दोगे, फोन करोगे, सर मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम के सारे अकाउंट खोले और मैं सेविंग करा और मैं फाइनेंशियल फ्रीडम पाया हूँ, मैं फाइनेंशियल फ्री हो गया हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैं रजा लेता हूँ, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और यू विल बिकम अ फाइनेंशियल फ्रीडम, थैंक यू।